हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग. माय नेम इज़ अभिजीत गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मैथ और साइंस यूट्यूब चैनल. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और वेस्ट इन वाटर. व्हाट हैपेंस टू एसिड एंड बेस इन वाटर. एसिड एंड बेस का पानी में जब हम डिसॉल्व करेंगे तो उनका क्या होता है. एसिड की अगर बात करें, एसिड में आपका आ जाएगा HCl, H2SO4, HNO3 एंड सो ऑन. और भी एसिड्स हैं, मेन हम यही पढ़ेंगे. तो व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर, एज यू ऑल नो, व्हेन दे आर डिसॉल्व इन वाटर दे प्रोड्यूस H+ ions. वेरी इजी. तो एसिड जब डिसॉल्व करेंगे पानी में क्या देंगे, H+ ions. ठीक है, आपके पास बीकर है, उसमें एसिड है या फिर वाटर है और आपने एसिड इसमें मिक्स किया तो क्या मिलेगा, H+ ions मिलेगा. देखो ये जो H+ ions होता है बहुत अनस्टेबल होता है, ये बहुत अनस्टेबल होता है. ठीक है, तो क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल्स में रहेगा, ये वाटर में इस तरीके से प्रोड्यूस रहेगा. ठीक है, ऐसे घूम रहा होगा H+ ions. तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इसको सराउंड कर लेंगे तो क्या होगा, H+ ions के से कौन रिएक्शन करेगा, पानी. तो ये बना लेगा, क्या बनाएगा, ये H3O+. H3O+, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन. तो इसका आंसर क्या होगा, व्हेन एसिड डिसॉल्व इन वाटर दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस या और हाइड्रोनियम आयन. दोनों में से दोनों ही मिलते हैं ना, हाइड्रोनियम तो बाद में बनता है, हाइड्रोनियम आयंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके, इसके बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं. विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या करंट कह सकते हो. ओके, यू नोट डाउन दिस. नाउ वी विल सी व्हाट एस बेस. नाउ वी विल सी बेस. बेस की अगर बात करें, जब भी बेस डिसॉल्व होगा वाटर में क्या देगा, दे गिव OH- ions, हाइड्रोक्साइड आयन. NaOH एक बेस हो गया, पानी में आपने डिसॉल्व किया तो ये क्या बनेगा, OH- देगा आपको, Na+ और OH- देगा. तो ये आपका मिलेगा, ये वाटर मॉलिक्यूल्स से रिएक्शन नहीं करेगा. ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं बनेगा. तो सिर्फ हम लिखेंगे क्या, अब में लिखेंगे व्हेन बेस डिसॉल्व इन वाटर दे प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन. ओके, हाइड्रोक्साइड आयन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नोट डाउन दिस, दिस विल बी बेस. यहाँ पे आपके बहुत और भी एग्जांपल हो सकते हैं, MgOH का होल ट्वाइस प्लस वाटर, दिस विल गिव यू Mg2+ प्लस OH-. यहाँ पे 2 मिलेंगे आपको. ठीक है, और भी हो सकता है KOH प्लस वाटर, दिस गिव्स K+ OH-. तो हाइड्रोक्साइड आयन आपको मिलेंगे. ऐसे बहुत एग्जांपल हो सकते हैं. Now we will see what are alkali. Write down question, what are alkali? A-L-K-A-L-I.
What are अल्कली? अल्कली क्या होते हैं? सपोज आपको आपके पास बेस है, इसको समझाने के मैं आपको ये लिख रहा हूँ, सपोज ये बेस है आपके पास और आपने इनको वाटर में डिसॉल्व किया, तो पता है ना पानी में डिसॉल्व तो बेस हो जाते हैं, पानी में आपने इनको डिसॉल्व किया, देखा आपने कि ये तो कम्प्लीटली मिक्स हो गए हैं, मिक्स हो गए मीन्स सॉल्युबल, ये सॉल्युबल है, इसमें घुल जा रहे हैं, ये सॉल्युबल नहीं है, इनसॉल्युबल है। तो अल्कली क्या होता है? अल्कली मींस होता है ऐसे बेस जो पानी में मिक्स हो जाते हैं, ऐसे बेस जो पानी में मिक्स हो जाते हैं, द बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कली। तो हम कह सकते हैं अल्कली हैं, अल्कली वो होते हैं जो पानी में मिक्स हो जाते हैं। तो एक स्टेटमेंट आता है, ऑल अल्कली आर बेस, ऑल अल्कली आर बेस, जितने अल्कली होते हैं वो बेस होते हैं, बट यहाँ पे ये जो हैं ये अल्कली नहीं होंगे, ये अल्कली होंगे, ठीक है, ऑल अल्कली आर बेस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली। ये स्टेटमेंट आपको क्लियर हुआ? जितने अल्कली होते हैं वो बेस कहे जा सकते हैं, लेकिन सारे बेस अल्कली नहीं कहे जा सकते, क्योंकि बेसिस में आपका ये भी आता है और ये अल्कली है नहीं है, ठीक है, तो अल्कली में आपका कौन सिर्फ यही आते हैं और ये बेस हैं, ठीक है, ये आप स्टेटमेंट नोट कीजिए। यहाँ पे एक डेफिनेशन और लिख लीजिए, वाटर सोल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड अल्कली।